नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। इस समय हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रुझान लगातार सामने आ रहे, लेकिन हरियाणा में जो एग्जिट पोल देखने को मिल रहा है वो पलट के रख हो गए हैं। जी हां, एक तरफ जहां हरियाणा में रुझान में पहले कांग्रेस पार्टी बहुमत में आती हुई नजर आई, लेकिन जैसे ही पाला पलटा वैसे ही सारे खेमे में हलचल तेज हो चुकी है। जो आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। हरियाणा में हुए चुनाव में आज मुख्यमंत्री नायब सैनी यानी और इसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के विनेश फोगाट की किस्मत का फैसला होगा। हरियाणा की 90 सीटों की 464 निर्दलीय और 101 महिलाओं सहित कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में है। इन सीटों पर 5 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान हुआ था और उसके बाद लगातार एग्जिट पोल सामने आ रहे, लेकिन एग्जिट पोल के जो परिणाम है वो अभी तक पलटते हुए नजर आ रहे। जो यहाँ इस चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ साथ जेजेपी और इसके साथ साथ आजाद समाज पार्टी शामिल है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो वही विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए, लेकिन जिस प्रकार से एग्जिट पोल में जो नतीजे आ रहे थे जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं वैसे ही देखने को मिल रहा है। इन परिणामों के साथ ही घाटी का सियासी तकदीर भी तय होगा। अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में कौन सा दल अपने झंडे गाड़ने में सफल होता है और किसे निराशा हाथ लगती है। तो वही सुबह से मतगणना शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर 3% में वोटिंग हुई थी। यहाँ पहले चरण के तहत 18 सितंबर और दूसरे चरण में 25 सितंबर को वोटिंग हुई थी, लेकिन सबसे तेज नतीजे सुबह से आपको दिखा रहे हैं। जो आपको बता दें कि जहां पहले सुबह कांग्रेस दफ्तर में मिठाइयां बट चुकी थी, वहां अब सन्नाटा पसरता हुआ नजर आ रहा है। चंद मिनटों में तस्वीरें बदल गई, जहां अब कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सही आंकड़ों को सामने नहीं आने दिया जा रहा है। तो वहीं कई तरह के वार पलटवार देखने को मिल रहा है। हरियाणा में ऐतिहासिक हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही। जिस प्रकार से तीसरी बार सरकार बनाने के दावेवादे किए जा रहे, तो कहीं ना कहीं वो होता हुआ भी नजर आ रहा। हरियाणा में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही, 48 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही। और जिस प्रकार से हरियाणा की 90 सीटों पर दाव खेला था और जिसके बाद अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे एग्जिट पोल के साथ साथ एग्जैक्ट पोल सामने आते हुए नजर आ रहे, लेकिन तस्वीरें जैसे जैसे समय बीतता जा रहा साफ होती हुई नजर आ रही है। शुरुआत में कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई नजर आई थी, जिस प्रकार से एग्जिट पोल में हमने देखे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे दावे वादे ओझल होते हुए नजर आए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी थी हरियाणा की धरती से, और कहीं ना कहीं और जो तीसरी बार सरकार बनाने के दावे वादे थे वो सही साबित होते हुए नजर आ रहे। धीरे धीरे तस्वीरें खुलकर सामने आ जाएंगी कुछ देर बाद, जहां लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी खुशियां मनाती हुई नजर आ रही थी वो तस्वीरें कहीं ना कहीं तब्दील होती हुई नजर आ रही। जी हां, हरियाणा चुनाव के रुझानों में शुरुआती बढ़त के बाद कांग्रेस के पिछड़े यानी कि पिछड़ने पर कांग्रेस नेता ने कहा है कि चुनाव आयोग का डेटा अपडेट नहीं हो रहा है, प्रशासन पर दबाव डालने के लिए डेटा देर से रिलीज किया जा रहा, लेकिन किसी को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो यहां कांग्रेस पार्टी अभी भी सब्र लेकर बैठी हुई है कि अभी कुछ देर बाद तस्वीरें फिर से चेंज होंगी और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से एग्जिट पोल में आगे थी एग्जैक्ट पोल में भी आएगी, लेकिन जब जैसे ही नतीजे और परिणाम बदलते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हैट्रिक के दावे वादे शुरू हो गए, लेकिन घाटी में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ लीड करती हुई नजर आ रही है। तो वही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल के साथ हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। विनय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, पंकज असू की वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पंकज जी, एग्जैक्ट पोल सामने आते हुए नजर आ रहे, क्या लगता है तस्वीरें थोड़ी देर बाद और साफ हो जाएंगी?
बिल्कुल देखिए, जिस तरह से एग्जिट पोल दिखा रहे थे वो ध्वस्त हो चुके हैं, सारे आंकड़े एकदम एग्जिट पोल के बिल्कुल ध्वस्त निकले। और जम्मू कश्मीर में भले क्या नाम है बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, लेकिन हरियाणा में देखिए बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर अग्रसर है। और जिस तरह से सारे एग्जिट पोल जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने का दावा प्रस्तुत किया था, कई दिनों से इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में तमाम तरह की डिबेट हो रही थी, तमाम तरीके के दावे प्रस्तुत किए जा रहे थे, लेकिन नायब सिंह चौके सैनी ने बीच में आके अभी कुछ एक दिन मतगणना से एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दावे के साथ कहा कि उनकी सरकार तीसरी बार बननी जा रही है, तो लोगों ने उसको बहुत हल्के में लिया था। और एग्जिट पोल के आंकड़े जो होते हैं वो खाली देखिए चंद लोगों का खाली मतैक के ले लेने से ही एग्जिट पोल सफल नहीं हो जाता, एग्जिट पोल को कई बार धूल की खानी पड़ी है। आप देखिए लोकसभा चुनाव में भी 400 पार का जब नारा दिया जा रहा था बीजेपी द्वारा, उस समय भी ये कहा जा रहा था कि एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी के पक्ष में थे, लेकिन उसके उलट हुआ और कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली और इंडी गठबंधन को अच्छी खासी सफलता मिली। और दूसरी बात आप ये देखिए कि उस समय जब इसके पहले छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे और उस समय रमन सिंह बराबर दावा कर रहे थे, उस समय भी रुझान ये थे, भूपेश चौधरी बार बार कर रहे थे मेरी सरकार बनने जा रही, सारे एग्जिट पोल ये दिखा रहे थे कि भूपेश चौधरी की सरकार दोबारा रिपीट हो रही है। और लेकिन रमन सिंह जो वहां के जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर थे उस दौरान, उन्होंने बार बार कहा कि आप इंतजार करिए और वहां पर जो है हमारी सरकार बनेगी, और वही हुआ छत्तीसगढ़ में। तो इसलिए देखिए ये कहने का तात्पर्य यह है कि एग्जिट पोल को एक वो नहीं मान के चलना चाहिए, एक नहीं मान जनमानस जनता जनमानस का किस ओर रुझान है इसको कोई पकड़ नहीं सकता, इसको कोई भी आदमी उनकी बातों को जान नहीं सकता। कन्हैया जी, जिस प्रकार से 400 पार एग्जिट पोल में देखने को मिला था, उसके बाद कहीं ना कहीं धड़ाम हो गई मोदी सरकार एनडीए गठबंधन, लेकिन इस प्रकार इस बार भी कहीं ना कहीं औंधे मुंह गिरती हुई भारतीय जनता पार्टी निकल लग के आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। देखिए परिणाम जो इस समय एग्जिट पोल के आ रहे हैं खासकर हरियाणा के, वो वाकई जो है चौंकाने वाले हैं। कमों पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो अमूमन अनुमान लगाया जा रहा था ये ट्रेंड जो आ रहे हैं वो लगभग उसी की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा का जो रिजल्ट जो आ रहा है, अमूमन अभी आधे राउंड की मतगणना हो चुकी है और उसके बाद जो परिणाम अभी जो आपके टीवी स्क्रीन पे या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे जो दिख रहा है वो अगर कमोबेश अगर हम उन्हीं को मान के चलते हैं तो निश्चित तौर पे भाजपा ने वहाँ पे कमबैक किया है, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपने मुंह की खानी पड़ी। कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर्स थे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में तब्दील होते हुए नजर आए। देखिए चुनाव बेसिकली परसेप्शन पे लड़ा जाता है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस वहां पे जो हारी है वो अपने बड़बोलेपन से, अगर यही नतीजे रहते हैं तो कहीं ना कहीं हुड्डा का अहंकार, सलजा को दरकिनार करना और उनकी परवाह न करते हुए अभी तंवर जी को जो है, जबकि उनको पता था कि सलजा जी से उनकी नहीं बनती है और भाजपा से लेके उनको जो है भाजपा में कांग्रेस में लेके आए, तो अल्टीमेटली वहां पे जो सुप्रीम बॉस वो हुड्डा ही जी थे, उन्होंने ये चुनाव लड़ा था और उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप की भी कोई बहुत ज़्यादा सुनी नहीं, तो उसका नतीजा कांग्रेस देख रही है और उसको एक अप्रत्याशित नतीजे जिसकी अपेक्षा किसी भी न्यूज चैनल और कोई भी एग्जिट पोल ने नहीं की थी, उससे अलग बीजेपी ने चाहे वो पन्ना प्रमुख को स्ट्रांग किया हो या अंदर ही अंदर उसने अपनी रणनीति बनाई, अभी बहुत जल्दी ही चीफ मिनिस्टर को उन्होंने बदला था, उनको पहले से आशंका था कि कहीं हो सकता है कि 9 साल से ज़्यादा खट्टर जी वहाँ पे रह चुके हैं तो एंटी इनकम्बेंसी हो, उन्होंने जो भी हारने के जो कारण थे उनको ग्राउंड लेवल पे जाके देखा और उनको सुधार की और नतीजे आज सामने हैं। पंकज जी, अहिरवार की 11 में से 9 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वहां पर मुख्यमंत्री का पक्ष बदला, खट्टर को बदल के जिस तरह से उनको लाने का प्रयास किया, आपके सैनी जी को, नायब सिंह सैनी को लाने का काम किया और 54 दिनों में उन्होंने जिस तरह से तमाम कार्य किए और समाज के हर वर्गों के लिए को यह संदेश देने का काम किया, उसका फायदा बीजेपी को मिला। और दूसरा चीज है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी वहां जादू चला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ओजस्वी भाषण और समाज को एकजुट करने की, हिंदुओं को एकजुट करने की, हिंदू समुदाय को एकजुट करने का जो उनका उनका भाषण था, जो उनका नारा था कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए एकजुट रहो तभी नेक रहोगे, उससे भी धार मिली।
और जहां जहां भी योगी आदित्यनाथ की सभाएं हुई अगर आप देख लीजिए तो वहां वहां जो है बीजेपी बहुत प्रचंड बहुमत से आगे चल रही है। और दूसरी चीज, जिस तरह से वहां पर कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने अनदेखी किया, 25 सीटें वहां पर करीब जो है दलित बाहुल्य है, 25 सीटों में 15 से 17 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों पे आगे चल रही है, 15 से 17 सीटों पे। तो ये भी मान के चलिए कि दलितों का भी एक रुझान भारतीय जनता पार्टी के फेवर में गया। भले लोकसभा चुनाव में 2024 में 10 में से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 5 सीटें एनडीए ने जीती थी, तो उससे जो है वो लोग लबरेज थे, उन लोगों को ये उम्मीद थी कि नहीं हम जो ये कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आप देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा को पूरे वर्ल्ड में देखिए सोलर एनर्जी का एक वो चल रहा है और एक उसको प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा को उसका सेंटर बनाया, तो ये भी एक चीज देखने को मिलती है। और दूसरी चीज 1,40,000 लोगों को रोजगार दिया और तमाम, और दूसरी बात अगड़ो पिछड़ो और फॉरवर्ड कास्ट ने, शशिकांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी, भारतीय जनता पार्टी को तस्वीरें बदल रही है, कैसे देखते हैं? जलेबी का ऑर्डर हो चुका है बीजेपी मुख्यालय में, कांग्रेस पार्टी के लड्डू का क्या होगा? सुबह जलेबी बांट चुके हैं कांग्रेस। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने फिर से विश्वास जताया है, तो ये पूरे उत्तर भारत और पूरे भारत का ये एक हरियाणा प्रतिनिधित्व कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताने के मामले में। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनता चला जा रहा है, वो पूरा देश देख रहा है, हरियाणा पूरा देश देख रहा है। और हरियाणा ने उस बात पे मुहर लगाया है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमको विकसित भारत बनाना है। और जिस प्रकार से कांग्रेस हमारे देश में निगेटिव राजनीति कर रही है, देश में देश को विखंडित करने वाली शक्तियों को बढ़ावा देती है, खिलाड़ियों के प्रति उन्होंने नकारात्मक बातें उठाई, 370 पर क्या कहेंगे, वो तो फेल हो गया भारतीय जनता पार्टी का। क्या 370? नहीं, देखिए जम्मू कश्मीर राज्य का मामला अलग है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सदैव ही मतलब प्रमुख भूमिका में कभी नहीं रही है, और आज जिस प्रकार से वहां डट करके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, 27 सीट से आगे बढ़ रही है, तो आज वो पीडीपी को हराया। आप इस एंगल से देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी को दो पे पहुंचा दिया, जो 28 सीट पीडीपी के पास होता था आज 2 सीट पे पहुंचा, ये भारतीय जनता पार्टी के उपस्थिति का नतीजा है। हाँ, ये समीक्षा में आगे जरूर आएगा कि जो अलगाववादी ताकतें थी जम्मू कश्मीर की, उन्होंने किन पार्टियों का साथ दिया है। ठीक है, हमें तो उन लोग के साथ दिया है जिनको जम्मू कश्मीर का अखंड भारत के साथ रहना है, 370 के साथ रहना है, तो वो उन लोगों ने हमें वोट दिया। ठीक है, राजा रिजवी जी, जिस प्रकार से परिणाम बदलते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें बदल चुकी हैं, जहां पहले कांग्रेस पार्टी में जलेबी बटती हुई नजर आ रही थी, और अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बटती हुई नजर आ रही है, कैसे देखते हैं ये तस्वीरें? राजा रिजवी जी, फिलहाल अभी संपर्क हमारे साथ नहीं हो गया, लेकिन विनय जी कैसे देखते हैं, 370 भले काम ना आए हो, लेकिन माना तो जा रहा था कि दोनों राज भारतीय जनता पार्टी से गए। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, बिल्कुल, तो वहाँ पे जो कश्मीर वैली है वहाँ पे वो भाजपा का एक वीक पॉइंट है, कभी भी उसने वहाँ पे कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। जम्मू रीजन में हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इस बार भी उसने एक अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे किया है। ये जो ज्यादातर जो सीटें जो आ रही हैं, 28 सीटें जो आपको दिख रही हैं, उसमें ज्यादातर जो है मोस्टली जो है वो जम्मू रीजन की है। कश्मीर वैली में और उस रीजन में तो भाजपा ने पूरी सीट पे चुनाव ही नहीं लड़ा था, तो 90 सीट में टोटल वो करीब करीब 70 सीटों पे वो चुनाव लड़ रही थी। कश्मीर रीजन में जो है वो उन्होंने सारी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा था। देखिए, जम्मू कश्मीर से एक चीज जरूर जो है सामने आ रही है कि हिंदुस्तान में अभी भी कुछ ऐसे प्लेस हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं और कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे धर्म संप्रदाय भी हैं जिनको विकास और डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल में जितना विकास हुआ उतना 70 साल में नहीं हुआ।
वहाँ पे इस मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में जितने डेवलपमेंट के कार्य किए हैं वो पिछले 70 साल में नहीं हुए, लेकिन वहाँ पे जो इलेक्शन था वो एंटी बीजेपी हुआ। जो विशेष धर्म संप्रदाय के लोग थे, खासकर मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक नकारात्मक वोट की। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम किसको कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इससे हमारे वोट देने से आगे कौन सी सरकार बनेगी, कैसे क्या होगा। उन्होंने केवल ये देखा कि भाजपा को कौन हरा रहा है और उसी को कंसोलिडेट होके वो उन्होंने वोट किया, और उसका नतीजा सामने है कि कश्मीर वैली में भाजपा खाता भी नहीं खोल पाया। लेकिन ये एग्जिट पोल का मैं नहीं समझ पाई कि एकदम से पूरा रुख ही चेंज हो गया, हवा ही चेंज हो गई। देखिए एग्जिट पोल जो है, अब आज की डेट में अगर मैं कहूँ, जब मीडिया के ऊपर सवाल उठते हैं, न्यूज चैनलों के ऊपर सवाल उठते हैं कि वो जो है बायस होके जो है, पहली बार तो कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल पे विश्वास कर पाई थी, नहीं तो देती है, तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल भी, देखिए आज का वोटर बहुत होशियार है, वो अपने मन की बात वो जल्दी जो रिपोर्टर्स हैं जो सर्वे करते हैं वो उनको स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं। और हाँ, और उसी का एक खामियाजा है, सैंपल साइज पे भी डिपेंड करता है, और कहीं ना कहीं ये जो एग्जिट पोल जो आ रहे हैं पिछले कई, आप लोकसभा देख लीजिए, अभी हमारे साथी बता रहे थे जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो वहां पे भी, बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो वहां पे भी एग्जिट पोल को एक दिन में जब वोट पड़ती है उस समय वो जो है उनसे डाटा इकट्ठा किया जाता है, सबसे ज्यादा हरियाणा में जाट वोटर्स मुख्य भूमिका में होते हैं। माना जा रहा था कि पहलवान बहुत ज्यादा नाराज है, किसान नाराज है, उसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन देखने को नहीं मिल रहा अभी तक के जो रुझान सामने आए। देखिए चाहे जाट हो चाहे किसान वर्ग हो, जो भी हो, सबके लिए भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश देने का काम किया, कार्य करने का काम किया, उसी की परिणति आज इस वोटिंग के रूप में हो रही है। और जाटों में भी जो है बीजेपी को वोट किया है, ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो कांग्रेस के युवराज जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, तो वो जिस तरह से मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, आज उनकी मोहब्बत की दुकान के लोगों ने वहां पर हरियाणा में सुबह सुबह जलेबी बाटी की भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे रहे हैं, तो उनकी जलेबी वो कड़वी हो गई और आज उनको कड़वा स्वाद देखने को चखने को मिल रहा है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए नीतियां और नीति निर्धारण ये बहुत माने रखता है। आपने कर्नाटक में, आपने वहां पर अभी तक जातिगत जनगणना के आंकड़े नहीं जारी किए, आपने क्या नाम है वहां पर आपने कहा था तमाम चीजें फ्री देंगे हरियाणा उसमें अपने हिमाचल में, वो नहीं किए। तो सिर्फ खाली जुमलेबाजी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस, शशिकांत जी, जेजीपी को बड़ा झटका लग रहा है, दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? दुष्यंत चौटाला लगातार छठवें नंबर पर आ चुके हैं। नहीं देखिए किसी एक से पूरे चुनाव को नहीं देखा जा सकता, प्रत्याशी है बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सीट से पूरे भाजपा के परिणाम को नहीं देखा जा सकता। हरियाणा में भाजपा भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने जा रही है, और पूरा जैसा अभी आपने प्रश्न विनय जी से कर रही थी कि जाट है किसान है, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि जाट भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, किसान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, खिलाड़ी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरे हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये युवराज का जो देश के विरोध में तरह तरह के बातें करना और जॉर्ज सोरोस के यहाँ से चुटकुना आने के बाद से संविधान के खिलाफ बोलना, आरक्षण के खिलाफ बोलना, और जिस प्रकार से ये लोग जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की नकली हार वहां पे, हाँ वो जरूर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों को, ये अलगाववादियों को, दूसरी पार्टियों को सफल है कि हम ही बनेंगे तो हम ही भाजपा को हरा सकते हैं, ठीक इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की शक्तियां सारी एक होकर जम्मू कश्मीर में, फिर भी हम डट करके वहां लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। और हरियाणा की तो बात ही अलग छोड़ दीजिए, हरियाणा तो हमारा सबसे सुंदर प्रदेश है और हरियाणा सबसे उत्तर भारत में सबसे सुंदर राज्य बनेगा। हाँ सोलर में जिस तरीके से, घाटी भी तो बहुत सुंदर प्रदेश है हमारा, यहाँ वहां से तो आपको चित खानी पड़ रही है। कहाँ? जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर में हम डटे हुए हैं और तमाम सीटों पर हम चुनाव इसलिए नहीं लड़े कि वहां हमको पता था कि ये उन लोगों का क्षेत्र है जनता पे तो विश्वास था ना आपको।
अब है आदमी है, आदमी है विपक्ष, अगर बनेंगे तो हम विपक्ष की पार्टी तो हम भी बनेंगे, और कौन बनेगा? ठीक है, आज इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हमको अगर विपक्ष का भी होता मिलता है तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, ये छोटी मोटी कामयाबी नहीं है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी वहां डट करके मुकाबला कर रही है, लोग साथ दे रहे हैं, हमको विपक्ष का क्या मिलता है? तब भी जब भी कश्मीर को हम स्वर्ग बनाने में कोई कमी नहीं रखेंगे मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक है मोदी जी, कैसे देखते हैं? दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं लगातार। देखिए हरियाणा का जो चुनाव है उसमें बाईपोलर इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे जो ओट कटुआ टाइप की पार्टियां हैं उन पे जनता ने ज़्यादा विश्वास नहीं किया, वहाँ पे कांग्रेस वर्सेस भाजपा ही इलेक्शन रहा, वहाँ मतदाता ने एक पॉजिटिव वोट किया है, उन्होंने या तो कांग्रेस को चुना है जहाँ पे सेलेक्ट किया है या फिर जो है भाजपा को वोट किया है। रही चीज अभी आप अहिरवाल की बात कर रहे थे, 11 सीटें हैं वहां पे, उसमें 11 में से 9 सीटें भाजपा जीत रही है उस क्षेत्र में, और एक बसपा और एक कांग्रेस। जो एनसीआर का जो रीजन है जैसे फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, इवन करनाल को भी ले लीजिए, वहां पे क्लीन स्वीप भाजपा कर रही है। इनके पास जो है वो रोहतक कह लीजिए या जो हुड्डा के जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास जो है वहाँ पे कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ओवरऑल पूरे हरियाणा में कुछ एक क्षेत्र ऐसे छोड़ के भाजपा का हर जगह पे अच्छा प्रदर्शन हो। पंकज जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी और सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता एग्जिट पोल पे एकदम चुप्पी साधे बैठे थे, जैसे क्या उन्हें पता था कि तस्वीरें बदलने वाली है, क्योंकि कोई भी भाजपा का नेता भी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं था। मैं देखिए इलेक्ट्रॉनिक चैनल, सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल और भी जो सर्वे एजेंसियां सब दिखा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां नहीं बन रही है, उसका भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, सरकार जा रही है, सरकार जा रही है, तमाम तरह की डिबेट चल रही थी हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी हम लोगों ने कई बार डिबेट किया है, लेकिन हम लोग शुरू से ही कहते रहे कि नहीं वहां पर हरियाणा में मिराकल वाले रिजल्ट आएंगे तो लोग उसमें ये नैरेटिव बनाने लगते थे कि आप भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं। तो लेकिन सवाल यह है कि देखिए एक दिन में अगर आप सारे विधानसभा क्षेत्रों में अगर आप 25,000 आदमी का सर्वे करिए तभी जाके एग्जैक्ट रिपोर्ट आ सकती है, कम से कम 1 लाख से कम, वहां 2-2 लाख वोटर एक एक क्षेत्र में होते हैं, कहीं 1.5 लाख होते हैं, और खाली चंद लोगों से इस तरह का सर्वे कर लेना और उसी को दिखा देना तो ये माने नहीं था। इसीलिए देखिए एग्जिट पोल पे सवाल उठने लगे हैं, कई राष्ट्रीय चैनलों के संपादक ने तो ये भी कहा है कि हमको सोचना पड़ेगा कि अब हम एग्जिट पोल दिखाएं या न दिखाएं, इस बात को पिछले बार उन्होंने कहा। और दूसरी चीज, एक बात अभी जो बात हो रही थी वहाँ जम्मू कश्मीर की, जम्मू रीजन में 43 सीटें, 47 सीटें कश्मीर रीजन में, तो वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में बहुत अच्छा काम किया, वहां के नागरिकों को बहुत सुविधाएं देने का काम किया है, लेकिन उन लोगों ने सुविधाएं लेने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं किया, जबकि भयमुक्त शासन वहां पर बहुत तरह का आतंकवाद अब ढेला पत्थर नहीं चल रहा, लेकिन आप देखिए उसका खामियाजा फिर भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। अब एलजी के हाथ में 5 लोग नॉमिनेट करने का पावर रहता है, जिस संविधान में ऐसी व्यवस्था है, तो ये मान के चलिए कि 5 सीटें बीजेपी के खाते में और आ जाएंगी जो एलजी नॉमिनेशन करेंगे। देखिए ये जो नतीजे जो आ रहे हैं इनमें थोड़ा इसका विश्लेषण लोकसभा से भी देख के करने की जरूरत है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4 ऐसे प्रदेश थे जिन्होंने भाजपा के जो विजयी रथ को था उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का काम किया था। यहाँ पे भाजपा को उतनी सफलता नहीं मिली थी जितनी अपेक्षा पार्टी कर रही थी, उनमें से हरियाणा भी है क्योंकि यहाँ पे 10 सीटें थी लोकसभा की और 5 भाजपा जीत पाई थी, जबकि उससे पहले 2019 में 10 की 10 सीटें जीती थी। अगर लोकसभा चुनाव से और विधान उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद यही 2 प्रदेश है जहाँ पे चुनाव हुए हैं, तो अगर उससे और इनका जो है विश्लेषण करें तो उससे ये चीज बिल्कुल फैक्ट हो जाती है कि लोकसभा में जो कांग्रेस का संविधान बचाओ कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, वो जो दुष्प्रचार था वो वही आगे बढ़ के जो है हरियाणा में 5 सीटें जो है भाजपा को नुकसान पहुंचाई थी। आज शायद वो दुष्प्रचार नहीं चल पाया इसलिए वहां पे जो है भाजपा को एक अच्छी सीटें मिल रही हैं। ठीक है, राजा रिजवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
जिस प्रकार से तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही, कैसे देखते हैं इसे आप? राजा जी, जी आरती जी बताइए, जिस प्रकार से तस्वीरें बदल गई, जज्बात बदल गए, कैसे देखते हैं इसे आप? हरियाणा में जो सीटें बढ़ती आ रही है उसको हम किस तरीके से देख रहे हैं, जानना चाहते हैं आप? अच्छा तो सुन लीजिए, क्यों बढ़ रही है? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समझदारी से जो है हरियाणा में कैंपेनिंग की है, और उस कैंपेनिंग का ही हिस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस वक्त बढ़त पे है, और लगभग जो है उसकी 49 सीट जो है बीजेपी और 34 वो अन्य के साथ लगभग बताया जा रहा है। अब आप देखिए कि वहाँ जो प्रतिशत है बिरादरी का, जाट 22%, दलित 21%, ओबीसी 30%, ब्राह्मण 8%, राजपूत 3.5%, मुस्लिम 3.5%, पंजाबी 8%, वैश्य 5%। तो भारतीय जनता पार्टी ने चालाकी क्या की? चालाकी एक की शैलजा को बहुत ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने हर उसमें कि जो है वो शैलजा जी को जो है इग्नोर किया जा रहा है, कांग्रेस इग्नोर नहीं कर रही है, कांग्रेस जो है उनको महत्व नहीं दे रही है, ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समझदारी से चला, और शैलजा ने उसका कोई जवाब भी नहीं दिया कहीं, खाली वो जो है राहुल जी की मीटिंग में बैठ गई और बस बूटा जी की मीटिंग के साथ कहीं दिखी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि जाट के बाद दलित ही की संख्या जो है वो ओबीसी के बाद जो है जाट की संख्या, फिर दलित की संख्या लगभग 21% थी, तो दलित समुदाय ने इनको कांग्रेस को वोट नहीं दिया और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आराम से चली गई, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समझदारी बहुत सूझबूझ से 6.5 महीना पहले सहनी को जो है वो उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, 30% ओबीसी का वोट, और ये कांग्रेस और ये जो गठबंधन के लोग हैं वो सब कुछ समझ नहीं पाए इसको, ये पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की। जबकि आप देखिए कि चुनाव के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री बहुत जो है वो अच्छे तरीके से मेहनत नहीं किया, जिस तरीके से आप देखिए 2014 में 11 रैली की थी प्रधानमंत्री जी ने, और 2019 के विधानसभा के चुनाव में 7 रैली की, और 2024 के चुनाव में केवल 4 रैली की जो है वो मोदी जी ने की, यानी बहुत जी जिस प्रकार से, लेकिन कहीं ना कहीं नू हिंसा की आग जरूर भड़की है, क्योंकि वहां से कांग्रेस नेता मामन खान आगे चल रहे हैं। राजा जी, जी बताइए, नू हिंसा की कहीं ना कहीं आग सुलगती हुई नजर आई है, क्योंकि मामन खान आगे लगातार चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। देखिए ऐसा है कि पहले तो शुरू में आपने देखा होगा कि जो ट्रेंड आ रहा था वो 9 बजे तक तो लग रहा था कि बिल्कुल जो है वो क्लीन स्वीप आ रही है, वो क्या आ रही है, लेकिन उसके बाद जो ट्रेंड चला है 10:30 के बाद, उसके बाद वो ट्रेंड जो है बिल्कुल रुका पड़ा है कहीं नहीं, और भारतीय जनता पार्टी वहां फिर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ठीक है शशिकांत जी, नू में तो कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। नुकसान इसलिए हो रहा है कि देखिए कांग्रेस की हमेशा पॉलिसी रही है देश में दंगा करवाओ सीटें जीतो, तो नू में भी वो दंगा करवा के सीट जीत रही है, और कश्मीर के घाटी में भी वो देश के लोगों को कश्मीरी पंडितों को भगा करके और सीटें जीतने का काम वो और नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये इन लोगों का पुराना रवैया रहा, पुराना इनकी पॉलिसी रही है कि दंगा करवाओ, लोगों को मरवाओ भारत के लोगों को, और उसके बाद सीटें जीते रहो, ये इससे जीता जागता उदाहरण है और कश्मीर की घाटी। अब देखिए जो अभी हमारे विशेषक साथी तो वरिष्ठ पत्रकार हैं रजा भाई, तो उन वो कह रहे थे, तो मैं थोड़ा सा उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि शैलजा जी को के वो कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दिया इसलिए दलित उठाया, नहीं ऐसा नहीं है, दलित को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति नेतृत्व के प्रति उनको आस्था इसलिए हमारे साथ आए, कारण कि देखिए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ये लोग चुटकुना बजा करके कुछ सीटें हमारे छीनने की कोशिश की कि संविधान बदल देंगे। विनय जी, पंकज जी ठीक है, 49
35 दो हरियाणा में ऐसा नहीं हो पाया, चेंज हो सकती है। अभी एक लेटेस्ट जानकारी मैं बता देता हूँ, जितनी सीटें हैं चाहे जम्मू कश्मीर की हो या यहाँ की हरियाणा की हो, खासकर अगर हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, जो ये ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं ये केवल क्या है कि जो लोग लीड कर रहे हैं, पहला परिणाम इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया है हरियाणा में, और वो पहली जीत जो है वो कांग्रेस के पक्ष में गई है, वो एक सीट उन्होंने विक्ट्री कर ली है, उन्होंने अपना खाता जीत का खोल लिया है, और बाकी ये फिगर तो आप दिखा रहे हैं। पंकज जी, कितनी तस्वीर चेंज हो सकती है? देखिए अभी बहुत कम राउंड की मतगणना बची है, तो इसलिए ये जो जीत का आंकड़ा है ये कम होना तो बड़ा मुश्किल है, हमको नहीं लगता है, जो मेरा आकलन यही है कि कम नहीं होगा। और इस जीत में जो हरियाणा में जो जिस तरह से सूझबूझ से टिकट बांटने का काम और जिस तरह से हरियाणा में रैली सुनियोजित करने का काम और प्रबंधन करने का काम, हरियाणा में देखिए तमाम भाजपा नेताओं में भगदड़ मची, कितने लोगों को टिकट काटे गए, वो भाग छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लिया, आम आदमी पार्टी में गए, तो इसमें कहीं ना कहीं जो अमित शाह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जो भाजपा के चाणक्य हैं। और अमित शाह जब 2014 में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट भाजपा में लाने का काम अमित शाह जी ने ही किया था। आज अमित शाह की देन है कि जो है इस तरह की तमाम चीजें हुई कि आज जो है वहां पर लोग प्रश्न चिन्ह लोकसभा चुनाव में लगाते थे कि जो है वहां टिकट का बंटवारा ठीक नहीं था तो उसमें उनके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ते थे, इसलिए भाजपा 240 पे आ गई। लेकिन आज हरियाणा की जीत में अमित शाह जी जो जीत की ओर अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी, उसमें कहीं ना कहीं अमित शाह जी का बहुत बड़ा योगदान है, और भारतीय जनता पार्टी को एक संजीवनी मिलने का भी काम हुआ है, क्योंकि आगे अभी विधानसभा के चुनाव 26 नवंबर के पहले चुनाव आयोग ने कह दिया है कि वहां आपके महाराष्ट्र में भी होंगे और झारखंड में भी होंगे, तो इसलिए भी है देखिए इसका, और आगे फरवरी में बिहार और दिल्ली में होंगे, और इन चुनावों का असर निश्चित रूप से मान के चलिए आरती जी कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जरूर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा दोनों सटे हुए राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में भी तो उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है, इसका कार्यकर्ताओं में इससे उत्साहित होंगे, उत्साह से लवरेज होंगे, और दूसरी बात जनमानस के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। राजा जिस प्रकार से जो एग्जिट पोल को लेकर ढोलक मंजीरा पीटते ढोलक नजर आ रहे थे कांग्रेस पार्टी, वो कहीं ना कहीं निराश होते हुए नजर आ रहे, एक बार फिर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। देखिए आरती जी, ऐसा अगर आप देखिए तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की 67 सीट आई थी, और 2000 जो है वो 19 में 40 सीट आई थी, और फिर आप 2024 में आप देखिए जो अभी एग्जिट पोल क्या मतलब, अभी काउंटिंग में जो बता रहा है वो 49 सीट बता रहा है, इसी को अगर रख लीजिए तो इस चुनाव के अंदर कहा जा रहा था कि इंडिकम्बेंसी वोट जाएगा, लेकिन 9 सीट तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में बढ़ रही है, और अब की जो चुनाव का स्टाइल भारतीय जनता पार्टी ने वो बड़े सूझबूझ से बड़े अच्छे तरीके से रखे था, और आप सबके, अब मैं तो नहीं समझता हूँ आपने एग्जिट पोल में क्या दिया था, लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे थे जितने सी वोटर फलाना ढमका, दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी दिखाई जा रही थी, वो कांग्रेस को दिख रही थी और बीजेपी को 20 से 28 सीट दे रही थी, बिल्कुल, तो आप ये समझ लीजिए, और 10 से 14 अन्य को दे रही थी, और बीजेपी कांग्रेस को बताए 30 सीटों का फायदा हो रहा है, लेकिन वो सब धरे के धरे रह गए सब। अब यही मैंने एक चैनल पे कहा था कि मध्य प्रदेश में एक चुनाव के अंदर दिग्विजय सिंह को बिल्कुल बताया जा रहा था कि कांग्रेस साफ सुपड़ा साफ, लेकिन जब काउंटिंग हुआ तो दिग्विजय सिंह वहां फिर जीते और मुख्यमंत्री बन गए, तो ये मैं कह रहा था, मैंने कई चैनलों पे कहा, लेकिन इस बात को मेरी कोई ले नहीं रहा था, सब समझ रहे थे कि वहां जवान किसान पहलवान और संविधान यही चल रहा है, लेकिन ट्रेंड होता ग्राउंड रोड पे ग्राउंड पर जमीनी हकीकत किसी ने ठीक से समझा नहीं, ये समझ रहे थे कांग्रेस वाले कि भैया जाट हमें 22% एक मुश्त जो है कांग्रेस कोट दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत समझदारी से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर काम किया है और उसी का वो है। और अब की चुनाव में एक तो बड़ा अच्छा रहा 2014 में था कि मोदी सरकार, और 2019 में था कि मोदी सरकार एक बार फिर, लेकिन अब की जो मैसेज दिया 2024 में भरोसा दिल से और बीजेपी फिर से, तो ये जो स्लोगन है ये आम जनता को बहुत भाया, और आम जनता ने बहुत मजबूती से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो अभी रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट के हिसाब से लगता है
सवा एक बची रहा है, तो अब रिजल्ट लगभग कोई ज्यादा आगे पीछे होने की उम्मीद। शशिकांत जी, चुनाव आयोग काहे नहीं है पूरे मामले का डाटा क्लियर कर रहा है? कांग्रेस पार्टी आरोप कर लगा रही है कि चुनाव आयोग एक बार फिर से गड़बड़ झाड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। शशिकांत जी, जो चुनाव परिणाम आएगा तभी कांग्रेस कई दिनों तक महीनों तक रोएगी, छाती पीटेगी, चिल्लाएगी और अभी कभी ईवीएम को दोष देगी, कभी चुनाव आयोग को दोष देगी। अभी देखिए, जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सरकार बनने जा रही और कुछ दिन कांग्रेस निगेटिव बातों को देश के सामने रखेगी और ये चुनाव में भी रखते हैं, चुनाव के पहले भी रखते हैं, चुनाव के बाद भी रखते हैं और रोना रोएंगे कि ये अलग अलग एंगल से जाति जनगणना कराओ और आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ और देश को बचाओ और ये सब छाती पीटेंगे और ला करके ईवीएम पे रोना रोएंगे। आज आज हरियाणा की जनता ने साबित कर दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र भारत एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है और हरियाणा की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आपने भरोसा जताया और पूरे राष्ट्र को आपने एक कदम आगे बढ़ाने का काम किया आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विनय जी, बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है कि डोडा से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, मतलब कि कश्मीर में कहीं आम आदमी पार्टी खेलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कुछ एक सीटें थी जहां पे आम आदमी पार्टी डोडा सीट हाँ अच्छा चुनाव लड़ रही थी, उसमें से डोडा एक है। मेराज मलिक आगे चल रहे 4500 वोटों अब, लेकिन हाँ 4500 वोटों से वो आगे चल रहे हैं, अच्छी मार्जिन है, बहुत अच्छी मार्जिन, इसे नहीं कह सकते हैं कि उतने अच्छे मार्जिन से वो आगे चल रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में आना, अब आम आदमी पार्टी भी उस पर आश्चर्यचकित होगी कि उसने मेहनत तो हरियाणा में ज्यादा की थी और उसको नतीजे कमोबेश जम्मू कश्मीर से बेहतर मिल रहे हैं। केजरीवाल तो कह रहे थे कि उनके बिना सरकार ही नहीं बनेगी हरियाणा में। देखिए, वहां पे मैं फिर कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में कैंडिडेट कौन सा आगे चल रहा है ये उसकी प्रतिभा और उसके चुनाव लड़ने के कौशल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, खासकर इंडिया गठबंधन या एंटी भाजपा की हम बात करें, वहाँ पे ये फैक्टर बहुत ज़्यादा हावी रहता है कि भाजपा को हरा कौन रहा है। कश्मीर वैली की अगर मैं बात करूँ तो वो चीज़ है, हो सकता है वहाँ पे ऐसे कुछ समीकरण हो कि व्यक्तिगत जो है उस कैंडिडेट का वहाँ पे एक अच्छा माहौल हो और जो भाजपा का भाजपा जो विरोधी जो वोटर हैं उनको लगा होगा कि ये भाजपा को हरा रहे हैं, तो इसलिए आम आदमी पार्टी वहाँ पे आगे बढ़ रही है। पंकज जी, कैसे देख रहे हैं कि लगातार जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है कांग्रेस पार्टी 50-51 पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, जैसे हमारे जो अभी शुरुआती रुझान देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो वहां के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से ये दिखाया कि हुड्डा के कांग्रेस ये भी जनमानस में एक मैसेज गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी का किसी तरह का कोई मैसेज या मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस तरह का कोई मैसेज नहीं गया, मैसेज यही गया हुड्डा के कांग्रेस लड़के भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, तो एक जो प्रोजेक्शन था वो भी एक बहुत बड़ा घातक सिद्ध हुआ। कल तक जो तस्वीरें देख रहे हो बीजेपी का तो नामो निशान पूरा मीडिया से हट चुका था, वहां पे मुख्यमंत्री की रेस में कौन आ गया इस पर चर्चा होने लगी थी, उसमें चर्चा होने लगी थी और कई नाम आ गए थे उसमें, रणजीत सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और आपके हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा उनके बेटे जो सांसद है, सबके नाम चल रहे थे। वो इसलिए चल रहे थे कि जिस तरह से ये जो आपके चले थे सर्वे आया था उसके कारण इस तरह का था, लेकिन वो सर्वे ध्वस्त हो गए, उसका कोई एग्जिट पोल के सर्वे जो थे वो ध्वस्त हो गए, वो नहीं कारगर हुए और हमेशा बहुत बार ध्वस्त हुए, कोई नई बात नहीं है। जनमानस के मूड को आकलन करना बहुत मुश्किल काम है और चंद समय में आकलन करना बहुत मुश्किल काम है, उसीलिए देखिए ये आंकड़े ध्वस्त हो गए। और वहां पर जम्मू कश्मीर में तो ये था ही, बीजेपी को सिर्फ जम्मू रीजन में ही सफलता मिलनी है, कश्मीर रीजन में नहीं मिलनी है, इस बात की पुरजोर संभावना थी, अब वो भी दिखाई दे रही है उसमें भी, लेकिन बीजेपी का ग्राफ नीचे गया, ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि 43 सीटों में बीजेपी को उम्मीद थी कि 35 से 40 सीटें उसको मिल जाएंगी और 5 सीटें जो एलजी नॉमिनेट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर, जो व्यवस्था है संविधान में वो हो जाएगी, लेकिन अभी उनको उससे भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिले
और अपेक्षित परिणाम से नीचे बीजेपी का ग्राफ गया, तो ये कहीं ना कहीं जनमानस में जम्मू कश्मीर में जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है उसके प्रति उसका रुझान है। और पीडीपी देखिए समाप्ति की ओर हो गई, और उसी तरह देखिए जो दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी थी जिसके दम पे बीजेपी ने पिछली बार सरकार चलाई थी उनका भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है, और उसकी सारी सीटें बीजेपी में डाइवर्ट हो गई हरियाणा में। राजा रिजवी, ठीक है, राजा रिजवी जी जैसे 400 पार का नारा लगाई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार सभी के सुर बदलते हुए नजर आए, इस बार किसी ने 90 के 90 सीटें नहीं कही थी। राजा रिजवी जी जी बताइए, जिस प्रकार से 400 पार का नारा लगाई थी लोकसभा में, लेकिन विधानसभा चुनाव में सुर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चेंज नजर आए थे इस बार। इस बार 90 के 90 सीटों जीतने का दावा नहीं किया गया। आरती जी चाहे 90 सीट जो है वो जम्मू कश्मीर की रही हो और चाहे 90 सीट हरियाणा की रही हो, कोई जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी कोई लीडर जो है वो कभी नहीं कहा कि हम जो है वो 60 के पार या 70 के पास, क्योंकि ये एक तरीके से जले हुए थे, तो जला हुआ आदमी जो है छाछ भी फूंक के पीता है, इसलिए आपकी नारा दिया भरोसा दिल से बीजेपी फिर से हरियाणा में। और आप अगर जम्मू कश्मीर की स्थिति देखिए तो एक बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी ने किया था, अब उसका रिजल्ट कितना उसको मिलेगा ये तो अभी शाम तक पूरी काउंटिंग होने के बाद होगा, कि वहां 25 जो है मुसलमानों को उतार दिया पहली बार, आप समझ, पहली बार बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें 17 जो है वो कश्मीर घाटी में मुस्लिम उतारे उसने बीजेपी प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी, और 8 जो है वो जम्मू में उतारे। और सबसे बड़ी बात आपकी थी कि जम्मू में जो है वो जो परिसीमन हुआ, और परिसीमन जो है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में हुआ था, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो है मेंबर क्या चेयरमैन चेयरपर्सन भी हैं, तो वो जब सेवानिवृत्त हुए वहां से सुप्रीम कोर्ट से, तो उनका 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग बना, तो उस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी 5 मई 22 को, तो उसमें जम्मू संभाग में 6 अतिरिक्त सीटें और कश्मीर संभाग में 1 सीट जोड़ी, तो जाहिर सी बात है कि जम्मू संभाग में जो है वो 6 सीटें बढ़ी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अभी अगली बार जो है 25 सीट पाई थी टोटल जो है 2014 में 10 साल पहले, अब अगर 25 से ये बढ़ के आती है तब तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर में जो है जम्मू के अंदर वहां जो है लोगों ने इनको छाती पेट लगाया है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव अब की जो है हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का रहा, और आम जन ने बहुत खुले मन से बहुत अच्छे मन से वोट दिया, वोट देने की परसेंटेज भी बहुत नगण्य नहीं रही, बहुत अच्छी परसेंटेज रही, लोगों ने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लिया चाहे हरियाणा में हो और चाहे जम्मू कश्मीर में हो, रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे हैं। अभी थोड़ी देर में और तस्वीरें क्लियर होती हुई नजर आई, 51 तो सीटें मिलती हुई रुझानों में नजर आ रही, आपने क्या सोच कर रखा है कि पार्टी कितनी सीटें लेकर आप जाएगी? जनता पार्टी को शुरू से विश्वास था कि हम हरियाणा में पुनः सरकार बनाएंगे, यही कारण के हमारे जितने कार्यकर्ता वहां लगे हुए थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 5 साल लगे रहते हैं, 24 घंटे 7 दिन लगे रहते हैं, तो उन्होंने अपने सेवा में जनता की सेवा में कहीं कोई कमी नहीं रखी, उसी भाव से लगे रहे कि हमारा ये प्रदेश है, हमारा हमारे ये लोग हैं, इनकी सेवा में हमें रहना, और उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा की जनता ने विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे कार्यकर्ता लगातार उनके संपर्क में रहे, लगातार हम उन विकास की नीतियों को लेकर के उनके बीच जाते रहे, नकारात्मक चीजों को हमने हावी नहीं होने दिया जो कांग्रेस द्वारा फैलाया जा रहा था। हाँ, कांग्रेस अपने नकारात्मक चीजों में जरूर फंस गए, कहाँ गए उनके शैलजा का तो नाम आगे आ गया, कहाँ गए सुरजेवाला, कहाँ गए दूसरे उनके जो प्रदेश के नेता थे, कहाँ चले गए? 51 तो दिखाई दे रही, क्या थोड़ी घटेगी बढ़ेगी? देखिए 90 सीट में से 2 सीटों का परिणाम आ चुका है जिनसे भाजपा और एक जगह से कांग्रेस जीत चुकी है, एक एक से बराबर, हाँ बराबर है, और अब आधे से ज्यादा राउंड लगभग 12-13 राउंड की मतगणना हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा इन आंकड़ों में फेर बदल होगा इसकी गुंजाइश कम है। इससे ये जो हरियाणा का जम्मू कश्मीर का जो चुनाव हुआ है इससे संदेश बिल्कुल साफ है कि इन चुनाव में और आने वाले चुनाव में ये किसान आंदोलन, आरक्षण का मुद्दा, पहलवान का मुद्दा, क्योंकि हरियाणा पंजाब में नहीं चला तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, ठीक है ना, तो खतरे की घंटी अब महाराष्ट्र
और झारखंड में है, खासकर इंडिया के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, खासकर ये चार ऐसे प्रदेश थे जहां पे एनडीए को डिफीट मिली थी अपेक्षा के अनुरूप, उतनी जीतें नहीं मिली थी। महाराष्ट्र के लिए खतरे की घंटी है और इंडिया गठबंधन को नए सिरे से विचार करना चाहिए कि किस तरीके से वो वहां पे एनडीए के विजयी रथ को रोक पाए। राजा रिजवी जी, क्षेत्रीय पार्टी तो पूरी तरह से शून्य पर अटकी हुई नजर आ रही है, इसको कैसे देखते हैं? जेजेपी जीरो पे अटकी हुई है, जेजेपी। हाँ, जेजेपी देखिए ऐसा है कि उसने पहले जब चुनाव हुआ था 2019 में, तो आप समझिए कि इसने जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो प्रचार करके चुनाव लड़ा था और उसने 10 सीट जो है वो हासिल किया था। और उसके बाद जब भाजपा की सीटें कम आई और पूरी जो है सरकार बनाने की सीटें नहीं बन पाई, 40 सीट पे रहना पड़ा, तो जेजेपी से गठबंधन किया और जेजेपी से गठबंधन करके जो है 4.5 साल सरकार चलाया। लेकिन उन्होंने जब लगा है कि जाट बिरादरी हमें वोट नहीं दे पा रही है और शायद हमें ना दे, तो वो गठबंधन उनका हट गया। और गठबंधन हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी समझदारी से काम किया कि ओबीसी यानी फैक्टर का सैनी को ला करके उन्होंने, और दो चीज उनमें थी, एक तो यूथ थे वो, खट्टर से वो कम उम्र के थे क्योंकि खट्टर का वो साढ़े जो है 9 साल का जो कार्यकाल था, वो कार्यकाल में बताया जाता है खट्टर कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं थे, कार्यकर्ताओं से बिल्कुल दूरी बना के रखते थे। तो जो जो भी आप समझिए नेता किसी भी पार्टी का अपने कार्यकर्ताओं से दूरी बना के रखेगा और कार्यकर्ताओं को छाती पेट नहीं लगाएगा, तो आप समझ लीजिए वो नेता दूर हो जाएगा दूध की मक्खी तरीके से। ठीक है, क्योंकि किसी भी पार्टी को बढ़ाने में उसके कार्यकर्ताओं का बहुत अहम रोल होता है। कार्यकर्ता कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, वो चुप हो जाता है, ठीक है। अगर उसको तवज्जो नहीं मिलता है तो ये नेताओं को चाहिए कि हमारा फलाना कार्यकर्ता तो बहुत एक्टिव था, बहुत तेज था, 6 महीने से साइलेंट में क्यों है, तो उसको खोजें और खोज के कहें भैया तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तुम्हारे पुराने कार्यकर्ता हो, अरे जुटे रहो, आज नहीं कल परसों कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा ही ना, इतनी नाराजगी ना करो। तो जो पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कुछ हो, हर पार्टी के नेताओं को अपने जो है कार्यकर्ताओं को सजो के रखना पड़ेगा। और यही हुआ कि 400 पार जब कहा गया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए कि केंद्र में हमारी फुरफुरे सरकार आ रही है, तो उससे वो अपना आराम से घर पर आराम से रहे और वो अपना पर्व मनाते रहेंगे कि खुशी का माहौल चेंज हो सकता है। लास्ट कमेंट देखिए, अब खुशी का माहौल ये कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से मान के चलिए कि आधे राउंड की मतगणना हो चुकी है और अब बहुत कवर करना कांग्रेस के लिए बहुत टेढ़ी खीर होगा, क्योंकि बीजेपी जो है काफी बढ़त बना चुकी है। और निश्चित रूप से मान के चलिए कि इसका असर इंडी गठबंधन जो बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो अपनी बहुत संभावनाएं तलाश रहा था, समाजवादी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है, वो निश्चित मान के चलिए उसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पे भी पड़ने जा रहा है और उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा मिलने की पुरजोर। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार इस मुद्दे पर वार पलटवार देखने को मिल रहा था, कई मुद्दे उठाए गए, किसान, जाट और इसके साथ साथ जो पहलवान, जवान, किसान, पहलवान, ये मुद्दे माने जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होंगे। जो एग्जिट पोल सामने आ रहे थे उसमें भी माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से वापसी करने के लिए आती हुई नजर आई थी, लेकिन जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहे प्राइम टीवी।